एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए बॉन्ड टू किल को भी बुला लो फिर भी जीतना तो नेपाल को ही है ब्रो देखो विथ ऑल टू रिस्पेक्ट ये बात इंडिया आ, इंडिया के होते हुए तो नहीं कहूंगा मैं इंडियन हूं बट एक चीज कहूंगा कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है ओवर कॉन्फिडेंस उतनी अच्छी चीज नहीं है ब्रो सबर करो I understand NXT is playing extremely well, but uh, bro, <laughs> आप ये भूल रहे हो इंडिया के पास भी अभी भी कुछ ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा यू पलट देंगे जस्ट वेट एंड वॉच अरे क्या गुस्सा करते हो आप लोग यार गेम है यार क्या इंडिया नेपाल इंडिया ने भाई वो नेपाल वाले अच्छा खेल के जीत गए भाई कॉन्ग्रेचुलेट करो गुस्सा क्यों करते हो आप लोग यार हर चीज में हो गया ना भाई गेम है ना अच्छा खेले जीत गए वो लोग क्या हुआ उसमें इतना क्यों लड़ते हो आप लोग एक दिन कोई हमसे अच्छा खेल गया जीत गया भाई क्या हो गया उसमें हमेशा हेड लड़ाई झगड़ा ये वो क्यों लड़ते हो इतना भाई कहां लेके जाओगे इतना गुस्सा और नफरत स्प्रेड लव गाइस प्लीज

क्या हो गया उसमें उन्होंने कोई हैक यूज कर दिया या आपको कोई गाली दे दी क्यों कर रहे हो हेड भाई अच्छा खेले जीत गए क्या हो गया खत्म करो ना बात क्या यार तुम लोग भी सही में यार ऐसा करोगे तो स्पोर्ट कैसे ग्रो होगा भाई आप लोगों को चाहिए मैं एनएक्सटी और इसी टीम का मैच दोबारा करवा दूंगा इस टूर्नामेंट में नहीं नॉर्मल बेसिस पे ठीक है नॉर्मल बेसिस पे दोबारा करवा दूंगा इस टूर्नामेंट में तो नहीं हो पाएगा लेकिन इस टूर्नामेंट में एनएसटी जीत गई है दोबारा मैं करवा दूंगा किसी और और जगह पे झगड़ो मत झगड़ो मत बस मुझे बड़ा खराब लगता है आप लोग झगड़ते क्यों मेरे समझ के बाहर है भाई इट्स ओके okay वो अच्छा खेले जीत गए क्या हो गया उसमें अ सिंगल मैच कांट डिसाइड टीम इज बेस्ट रॉकी वही मैं बोल रहा हूँ क्यों रहे हो तुम लोग वाई आर यू फाइटिंग क्या इंडिया नेपाल लगा रखा है भाई शन यी बट डीन दट गॉट ऑल First एस आप अपने को गाली दे रहे हो, yeah. दे अच्छा, खेले जीत गए आप खेलते आप भी जीत जाते क्या हो गया उसमें ये तो भाई बच्चों वाली बात है अरे यार आप लोग क्यों क्यों हेट करते हो एक दूसरे को यार मेरे समझ के बाहर है यार जस्ट अ गेम गाइज ऐसा मत करो प्लीज जस्ट अ गेम कोई जंग नहीं चल रही है वो अच्छा खेले जीत गए ना क्या हो गया उसमें दादा गैंग वर्सेस टाइटेनियम करवाओ फिर देखो अगेन भाई फिर से फेनेटिक फिर से फेनेटिक बातें आपको कितनी बार मैं मैं गाइस मैच्योरिटी का ज्ञान दूं मुझे समझ नहीं आता कितनी बार मैच्योरिटी का ज्ञान देगा रॉकी गाइस मेरे को बताओ आपको बोल बोल के थक गया आप फैंस की तरह क्यों सोचते हो मेच्योरिटी की तरह सोचो ना क्या बोलते हो गए आपको खुद ही नहीं पता जस्ट चिल जब कंट्री की बात आती है हर बंदा अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है है क्या हो गया उसमें? कोई हेट नहीं चिल किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला है आप लोग बात का बदल बना रहे हो रॉकी बाबू गेम गेम होता है हार जीत होती रहती है कोई कितना भी अच्छा रहा है यार खेल को खेल की तरह लो ना आप लोग खेल को वैसे क्यों लेते हो आई अंडरस्टैंड अगर लोग कंट्री का मैच हो रहा है आप अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हो इमोशनल होना लाजमी है बट यू शुड सपोर्ट योर कंट्री यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द अदर नेशन दूसरे कंट्री को क्यों डिसरिस्पेक्ट करते है? हो हो जाता है क्या करें उसमें खेल खेल है खेल को खेल की तरह बंद करो हाथ जोड़ के मैं, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं